हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का चैप्टर लखनवी अंदाज देखने जा रहे हैं, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया, जहां उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। वह क्रांतिकारी धारा से जुड़े थे और इसी कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाएं आम आदमी से जुड़ी हैं। उनकी शैली यथार्थवादी थी। उन्होंने समाज की विषमता, रूढ़ियों और राजनीतिक दिखावे के खिलाफ अपनी रचनाएं लिखी। उनकी भाषा स्वाभाविक व सजीव है। उनकी कहानी संग्रह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता इत्यादि हैं। उन्होंने अपने उपन्यास झूठ सच में भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण किया है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड और मेरी तेरी उसकी बात आदि उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आज के इस वीडियो में हम यशपाल जी की एक व्यंग रचना लखनवी अंदाज को देखने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है। तो आइए देखते हैं लखनवी अंदाज। इस कहानी के लेखक यानी यशपाल जी को कस्बे के आसपास ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकेंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होगी और वो आराम से खिड़की के बाहर देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी जो लगभग चलने ही लगी थी। लेखक जल्दी से दौड़कर एक डिब्बे में यह सोचकर चढ़े कि उन्हें डिब्बा खाली मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के सज्जन आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके पास ही दो ताजे चिकने खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक उनके हाव भाव देखकर समझ गए कि उनके आने से उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई भी रुचि नहीं ली। लेखक भी चुपचाप सामने की बर्थ पर बैठ गए। खाली बैठे बैठे सोचना तो लेखक की आदत थी ही, तो वो सोचने लगे शायद नवाब साहब ने किफायती यानी बचत के हिसाब से सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा और अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश यानी पढ़ा लिखा आदमी उन्हें मिडिल क्लास में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र में समय गुजारने के लिए शायद खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने उसे कैसे खाएं ये सोचते होंगे। लेखक तिरछी निगाहों से नवाब साहब को देखते रहे। नवाब साहब कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखते रहे, फिर अचानक से बोले, आदाब अर्ज जनाब, कीड़े का शौक फरमाएंगे। लेखक को नवाब साहब के बदले भाव अच्छे नहीं लगे और उन्होंने कहा, शुक्रिया, आप लीजिए। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरों को खिड़की के बाहर धोकर तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला और खीरे के ऊपर का हिस्सा काटकर उन्हें गोद कर झाग निकाल दिया। फिर उन्हें सावधानी से छीलकर फाकों में काटकर तौलिए पर रख दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरे के साथ नमक जीरा और लाल मिर्च की पुड़िया भी मिलती थी। नवाब साहब ने बड़ी सुंदरता से उन फाकों पर मसाला बुरका। उनके चेहरे पर खीरा खाने की तीव्र इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद एक बार फिर नवाब साहब ने लेखक की ओर देखा और कहा, लीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। इतने ताजे खीरे को देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन वो पहले ही मना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा, शुक्रिया, अभी मन नहीं है, मेरा पेट भी कुछ ठीक नहीं है, आप ही लीजिए। अब नवाब साहब ने खीरे का एक टुकड़ा उठाया और अपने होठों तक ले गए। मुंह में आया पानी का घोट गले से उतर गया। फिर नवाब साहब ने उस फांक को खिड़की के बाहर फेंक दिया, फिर दूसरे टुकड़े को नाक तक लेकर आए, सूंघा और फिर बाहर फेंक दिया। इसी तरह उन्होंने एक एक करके खीरे के सारे टुकड़ों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ मुंह पोंछकर घमंड से लेखक की तरफ देखा। उन्हें देखकर लेखक को ऐसा लगा कि मानो कह रहे हों, यह तो खानदानी रईसों का तरीका है। यह सब करने से थक चुके नवाब साहब लेट गए। लेखक ने सोचा कि इस तरह की खानदानी रईसी दिखाकर और खीरे की सुगंध लेने से क्या पेट भरा जा सकता है। तभी उन्हें पेट भरने के बाद नवाब साहब की डकार की आवाज़ सुनाई दी। लेखक को देखकर नवाब साहब बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन पेट के लिए भारी भी होता है। अचानक ही लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने पहचान लिया कि ये है नई कहानी के लेखक। यदि खीरे की सुगंध और स्वाद के बारे में सोच लेने भर से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्र के लेखक की इच्छा भर से नई कहानी नहीं बन सकती है क्या?